हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। तो आज हम लोग बना रहे हैं व्रत वाला सैलड। तो व्रत वाला सैलड जो है, उसे बनाने के लिए यहाँ पे एक पीस मूली को हम लोग स्लाइस करके एक कंटेनर में रख लेंगे। साथ ही में कुछ डाइस करके कैरेट भी लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो स्लाइस करके भी ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। मैं अलग अलग तरीके से काट के रखती हूँ ताकि सबका लुक अच्छा आए। और साथ ही में कुछ लेट्यूस का लीव्स जो है वो हम लोग काट के रखेंगे। और इसके साथ जो भी आप व्रत में खाते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एलिपिनो जो होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। अगर आप उसे कैंड खरीदेंगे तो, अगर घर का है तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही में ये जो है एवोकाडो है, एवोकाडो जो होता है उससे भी आप स्लाइस करके या डाइस करके रख सकते हैं। इसमें वो बिल्कुल क्रीमी बना देता है आपकी रेसिपी को। फिर जो ब्लैक पेपर होता है वो डालेंगे। फिर क्यूमिन का सीड्स जो होता है रोस्ट किया हुआ, वो भी हम लोग यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में डाल देंगे। और रॉक सॉल्ट, क्योंकि वो व्रत में खाया जाता है, तो वो डालेंगे। और सबको मिक्स करके टॉस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और बस रेसिपी जो है वो तैयार है सर्व करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।